नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात में चुनाव प्रचार चरम पर है और ऐसे में जो आम आदमी पार्टी वहां सरकार बनाने का दावा पेश कर रही थी, मीडिया के जरिए एक हवा बनाई गई थी कि केजरीवाल गुजरात में इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, उनके सभी दावों की पोल खुल गई है और अब मात्र 1 से 5 सीटें, मैक्सिमम 5 सीटें उनको जाती दिख रही है। जो जमीनी स्तर का जो लोग हैं गुजरात के, उनके जो सर्वे हैं, उनका जो कहना है और जो पूरी सीटों के हिसाब से देखा जाए तो वहां कांग्रेस नंबर 2 पर दिखाई दे रही है। लेकिन केजरीवाल लगातार इस तरह के आक्रामक हमले भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि साहब हम तो सरकार बना रहे हैं गुजरात में और भाजपा हमसे डर गई है और इस डरने के कारण हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं। केजरीवाल जी दावा कर रहे थे, अभी जितने भी घोटाले दिल्ली में खुले, उन्होंने कहा कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम तो जो है ऐसे घोटाले कर ही नहीं सकते। मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब घोटाले को लेकर आरोप लगे, लेकिन अब जब चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की तो उसमें सीबीआई ने केवल इतना कहा है, पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, कुछ अफसरों के नाम हैं, लेकिन उस पर ये भाजपा को घेर रहे हैं। इसी पर आपको बताएं, चुनाव प्रचार में गुजरात के अंदर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो वहां जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने केजरीवाल की पोल खोली। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी टॉप लीडर ने केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का सीधे सीधे नाम लिया हो। अभी तक गुजरात के अंदर जो आज तक के सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी, जो कहीं दिखाई नहीं दे रही। 100 सीटों पर तो जमानत जब्त होनी है, लेकिन जिस तरह की बदजुबानी आम आदमी पार्टी के लीडर करते हैं, उनको सीधा सीधा टारगेट किया योगी आदित्यनाथ जी ने, और योगी आदित्यनाथ जी ने वो चीजें याद दिलाई कि ये वो पार्टी है आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जिस तरह से दंगे हुए, उन दंगे वालों के साथ खड़े हुए, सीए के विरोध करने वालों के साथ खड़े दिखाई दिए और सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले, राम मंदिर में बाधा बहने वाला, मतलब राम मंदिर को हमने सुना ही है केजरीवाल क्या कह रहे थे कि मेरी नानी को बड़ा दुख हुआ, यानी ये राम मंदिर के कभी पक्ष में नहीं थे। और इसलिए योगी आदित्यनाथ अगर गुजरात में प्रचार करते हैं तब उनसे ये उम्मीद तो की जाती है कि राम मंदिर की बात करेंगे, और इसलिए उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा वहां उठाया। गुजरात के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर तंज किया और उन्होंने कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इनके जो डीएनए है इसमें ये देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं और इनके अंदर ये बात है कि ये हमेशा वो काम करेंगे जो देश के विरोध में हो। और इसलिए जो जनता है गुजरात की वो ये बात समझ रही है। आपको बताएं, गुजरात के सर्वे में जहां एक तरफ सीटों का सर्वे हो रहा है, वहां जो पत्रकार ग्राउंड में रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी बात माने तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई मोदी के बाद गुजरात के अंदर प्रसिद्ध है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि जितनी रैलियां मोदी जी की नहीं होंगी, उससे कहीं ज्यादा रैली और रोड तो गुजरात के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के तय किए गए हैं। भाजपा संगठन ये समझ रहा है और हमने ये पिछले चुनाव से देखा, 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ को पूरे भारत में स्टार प्रचारक की तरह भाजपा ने उनको जगह जगह रैली और रोड शो कराने के लिए प्रयोग किया। एक तरह से माना जा रहा है कि अब वो राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं और उनकी लोकप्रियता, आपको बताएं कि मोदी के बाद यदि कोई गुजरात के अंदर भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है योगी आदित्यनाथ है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का भाषण हमने देखा कि वो पूरे मूड में दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि जो लोग यहां आम आदमी पार्टी के दिल्ली से प्रचार में आए हुए हैं उनकी बात को गुजरात के लोग समझें। गुजरात की जनता को समझा रहे थे कि ये वो लोग हैं जो राम के मंदिर का विरोध करते हैं, ये वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं। और इसलिए इसका असर गुजरात में होता भी दिख रहा है।
योगी आदित्यनाथ जी के जितने रोड शो हुए हैं, जो रैलियां हुई हैं, आप देखेंगे जिस जिस जगह वो रैली और रोड शो हुए हैं योगी जी के, वहां रिकॉर्ड भाजपा को तो वोट मिलनी है, वहां केजरीवाल का सुपड़ा साफ होना है, क्योंकि योगी जी की बात का इफेक्ट पूरे भारत में सनातनियों और हिंदुओं के ऊपर होता है। और इसलिए योगी जी ने जब आम आदमी पार्टी को टारगेट किया है, इसका कारण है कि वो बार बार जनता को गुमराह करके, झूठ बोलकर वोट बटोरने का काम करते हैं। अब आपको मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूं। दिल्ली में जिस तरह से मनीष सिसोदिया अभी तक सीबीआई में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें आरोपी नंबर वन थे, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है सीबीआई की विशेष कोर्ट में। और जब चार्जशीट दाखिल होती है तो उसमें जरूरी नहीं है कि जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सबूत मिल गए हों और उसको चार्जशीट में दाखिल कर दिया जाए। कभी सबूत मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, और कभी सबूत मिलने में समय लगता है। और इसलिए पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, लेकिन इस पर ये सारे के सारे ये कहने लगे कि साहब दिल्ली के एलजी को इस्तीफा दे देना चाहिए, साहब जो है हम पे झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, मुख्य सचिव को इस्तीफा देना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि जो मोदी और अमित शाह हैं, इन्होंने मनीष सिसोदिया के पीछे सीबीआई के 800 बड़े अफसरों को लगाया हुआ था। अब सोचिए, ईडी और सीबीआई के 800 ऑफिसरों को वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के पीछे लगाया हुआ था और यह कहा हुआ था कि किसी भी तरह से इनके खिलाफ सबूत ढूंढ के लाओ। ये कैसी बातें करते हैं? ये एक तरफ ये कहना चाह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई ये अमित शाह के कहने में, दबाव में गलत काम कर रही है। और अगर यह बात ठीक है कि अमित शाह दबाव में उसके ईडी और सीबीआई के अधिकारी काम कर रहे हैं, तब बहाना बनाने की जरूरत क्या है? अरे भाई, अगर अमित शाह, मोदी, ये सरकार, मोदी सरकार अगर एजेंसियों का दुरुपयोग करने पे उतर गई, तो क्या केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया और बड़े नेता इनके बाहर रह सकते हैं? कल्पना कर सकता है कोई कि अगर दुरुपयोग पे उतर जाए कांग्रेस की तरह, तो कांग्रेस का कार्यकाल केजरीवाल जी को याद नहीं है? कितने लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया था? ये जो आज के गृह मंत्री हमें दिखाई दे रहे अमित शाह, इनको भी जेल में डाला था, मोदी के ऊपर केस कर दिए थे, साध्वी प्रज्ञा को जेल में डाल दिया था और उसे तो आतंकवादी बता दिया था। तो अगर मोदी जी, अमित शाह सीबीआई, ईडी, एनआईए का दुरुपयोग करने पर उतरे और अगर वो कर रहे होते, तो आपको बता दूं कि वो एनआईए को कहते कि किसी भी देश की आतंकवादी घटना में दो नाम और ऐड कर दो कि इनसे संपर्क है। सुनवाई बाद में होती, पहले उठा के जेल में डाल दिया जाता। लेकिन केजरीवाल जी एक तरफ अपनी बात को कहते हैं जनता को बरगलाने के लिए, दूसरी तरफ अपनी बात से वो गिरते भी हैं। सीबीआई के 800 अधिकारी ईडी सीबीआई के लगाए गए, ये हो सकता है कहीं? और 800 में एक भी ऐसा नहीं है जो ये सामने आकर कह रहा है कि साहब मनीष सिसोदिया निर्दोष है, अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन अपने आप को क्लीन चिट देंगे। तो ये जिस तरह का झूठ बोलते हैं और बड़ी सफाई से, फिर कह रहे हैं साहब केजरीवाल की तो हत्या करा दी जाएगी, और वो कौन कराएंगे? वो भी भाजपा के अधिकारी कराए। मतलब कुल मिलाकर के वोटों को लेने के लिए लोगों की सहानुभूति बटोरना और सहानुभूति के लिए झूठ बोलना। इसलिए मुझे लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको खुलकर नाम इनका लेना पड़ा और उन्होंने ये बोला है कि ये वो लोग हैं जिनके आदत में ये सुमार है झूठ बोलना। तो अब ये देखा जाएगा कि योगी जी के इस बात का इफेक्ट कितना पड़ता है। हालांकि गुजरात की धरती पर जब योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे, तो जनता के रेस्पॉन्स से ये लग ही रहा था कि वाकई में अब केजरीवाल के झूठ की पोल कम से कम गुजरात में तो खुल चुकी है। गुजरात की जनता समझ चुकी है कि फ्री में कोई चीज़ वो देता है जिसके पास कुछ सेवा करने के लिए या अपने कुछ मुद्दे होते नहीं हैं, और इसलिए गुजरात में इनकी कोई चाल वो चलने वाली नहीं है। और इसीलिए बौखलाए ये घूम रहे हैं। और अब योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, जो उन्होंने बोला है जनता के बीच, उसका इफेक्ट आप देखें कि गुजरात का आए दिन योगी जी की रैलियां और योगी जी का रोड शो,
जिन जिन एरिया में हो रहा है, पहले दिन का अंतर और आज का अंतर, आप देखिए जितने भी सर्वे थे वो पहले दिन तो आम आदमी पार्टी को शुरू शुरू में जब माहौल शुरू हुआ सरकार बनाती दिख रहे थे, फिर वो आए कि भाई 50-60 सीटें आ सकती हैं, फिर वो घटते घटते 30 पर आ गए और आज का सर्वे ये है कि मात्र 0 से 5 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। इसका श्रेय जहां भारतीय जनता पार्टी संगठन को जाता है, वहीं दो बड़े जादूगर भारतीय जनता पार्टी के मैं मानता हूं, एक हैं मोदी जी जिनका जादू गुजरात में सर चढ़कर बोलता है, और दूसरे हैं योगी आदित्यनाथ। गुजरात की जनता से जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हमारे हीरो, जहां एक तरफ हमारे खुद के बेटे गुजरात के मोदी जी हैं, वहां दूसरा हीरो हमारे दिलों में जो राज करता है वो योगी आदित्यनाथ है, और इसलिए योगी जी की बात का असर गुजरातियों पर पड़ रहा है, ये आज के सर्वे बता रहे हैं। वंदे मातरम।